सत्कारयोग बीबा हरसिमरत कौर जी, मैंबर पार्लीमेंट ते इस इलाके दे बहुत ही पंथक सोच वाला नगर दी समूह संगत, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मेरी बड़ी खुशकिस्मती है और मैं अपने आप नूं बड़ा भागा वाला समझदा कि अज इस नगर दी संगत दी दर्शन करन दा मौका मिले। पिछला समा पंजाब ते देश ते इह जिहा लंघिया, बीमारियां इह जिहा के डॉक्टरां ने इह मना करता सी कि इकट्ठां च ना जाओ, आहतियात वरतो। इस करे पिछे गैप पै गया। नहीं तो मैं हमेशा ही करता हुंदा सा कि जे किसी की मौत हो जाए बेशक उधर ना जाए, लेकिन मगरों गरीब तो गरीब भरा दे भी अफसोस करन जांदा सा ते शादियां ते भी जांदा सा। देखो अज बीबा जी ने थोड़े सामने विस्तार नाल दस्या है कि जे अपनी सरकार बनी तो की कुछ किया जाऊगा। मैं वो गल्लां दोबारा नहीं कहना चाहुंदा क्योंकि सरकार ते लोकां नूं अतबार ही होना चाहिए है कि जे इस पार्टी की सरकार बन गई तो जो कुछ साढ़े दिल च है, जो साढ़े दिमाग च है, वो सारियां चीजां होणगियां। मैं जो कुछ अपने थोड़ी कृपा दे नाल, वाहिगुरु की कृपा दे नाल पंज वारी मुख्यमंत्री बने और उस समय विच जिहड़ी लोकां दी लोड़ सी ओ लोकां तों नहीं कोया, आप उहनूं समझिया कि मैनूं की कुछ करना चाहिदा है। ते ओ जो कुछ मेरे दिमाग च आया, क्योंकि मैनूं मैं थोड़े च रहण वाला, पिंडां च रहण वाला, पिंड दा सरपंच भी रहा, ब्लाक समिति दा चेयरमैन भी रहा और मैनू पेंडू जिंदगी गरीब दी की हालत है, किसान दे की मसले हैं, ओ किसे नू दसन दी लोड़ नहीं कि मैनू कोई अफसर दसदा तां फिर मैं करदा। इसलिए हर भाईचारे वास्ते वड्डे फैसले लए, जिवें किसान दा वड्डा खर्चा जिहड़ा सी ओ जो सरकार थोतों गराउंदी सी, एक तां गराउंदी सी ट्यूबवैलां दे खर्चे, एक नहर दा जिहड़ा पानी है इहदा मामला। मैं कहा भी इह दो तां आपां नहीं लैणे क्योंकि सरकार इह लैंदी है, इह मैं माफ कर सकदा। जिद्दर दा मैं माफ कीता, देखो एक फैसला कोई लै ले, उदू बाद अगलियां सरकारां नूं भी उहदे पिछे चलना पैंदा। जे गरीब नूं लोड़ सी भी इहनूं घट्टो घट रोटी खाण दा तां फिक्र मुक जाए, आटा दाल ओह भी कीता, पिंशनां भी कीतियां, शगन स्कीमां भी कीतियां, धर्मशाला भी बणाईआं, आ थोड़े सारे पिंडां विच कंक्रीट दियां गलियां बणाईआं। मेरा ख्याल है कि हिंदुस्तान किते नहीं जिहड़ियां कि इत्थे कंक्रीट दियां गलियां बनाईआं। चलो मैं इस गल च नहीं लम्मा जाना चाहुंदा, मैं एक गल वधाई देना चाहुंदा बीबी हरसिमरत कौर नूं कि देखो कोई चौकीदार भी होवे ओह छड्डदा नहीं चाहुंदा, लेकिन एक सेंटर दी मिनिस्ट्री जिहड़ी कि बहुत वड्डी मिनिस्ट्री हुंदी है ओह इस करके इन्हां ने छड्डी कि इहो जिहे काले कानून बनाए मोदी साहब ने
कि जिदे नाल मजदूर ते किसान दा लम्मा बहुत नुकसान होना सी। होर किसी ने कोई इस्तीफा नहीं दिता, बीबी हरसिमरत कौर ने वजारत तो इस्तीफा देता। वड्डी गल कई दफा अपने लोगों नूं पता नहीं हुंदा, सारे देश विच इन्नियां पार्टियां हैं, उस कानूनां दे खिलाफ किसी ने वोट नहीं कीती। उत्थे वोटां पैंदियां जो कानून बनता है, जो कानून बनिया दूजियां पार्टियां बुला ला के वाकआउट कर लगियां। सिर्फ इन्हां कानूनां दे जे खिलाफ वोट पईआं, दो वोटां पईआं, एक बीबी हरसिमरत कौर दी, एक अपने सुखबीर दी, होर किसी ने इस दे खिलाफ वोट नहीं पाई। अज मैं वधाई दिना कि संघर्ष तो बहुत होया, बहुत कुरबानियां हुई, लेकिन थोड़ी कुरबानी का सदका वह कानून जेड़े है वह मजबूर होके मोदी सरकार नू वापस लेने जेड़े है पाए। दूसरा मैं बेनती करना कि देखो तुसी हुण थोड़े चिर च नवे इलेक्शन आने हैं असैंबली दे, ये कोई मामूली चीज नहीं असैंबली या पार्लीमेंट का इलेक्शन, ये थोड़ी आने वाली नस्लों का फायदा नुकसान ये निर्भर होता है। ये कांग्रेस पार्टी देखो, मैं तो हूँ कोई 70 साल का, उम्र तो मेरी 94 साल हो गई, तो 70 साल का तो मैं एक्टिवली काम कर रहा पार्टी। जिन्ना नुकसान कांग्रेस ने पंजाबियों का किया, हालांकि पंजाबी सब तो वध कुरबानियां तुसी कीतियां, आजादी की लड़ाई विच थोनू उजड़ के भी आना पिया, घर बार छड़ने पए, अपना सब कुछ तुसी वार दिता, पर मन ते बोझ नहीं पाया क्या कि चलो असी तो उजड़ के देश तो आजाद हो। लेकिन साडे नाल नफरत और ऐसी वड्डी नफरत, इतना साडे ते पाप बजर पाप कीता कि शायद मुगलां ने ते अंग्रेजां ने भी नहीं कीता। देखो सब तो सानू बच्चियां नालों प्यारा, परिवारां नालों प्यारा, जिंदगी नालों प्यारा हरिमंदर साहब है। हरिमंदर साहब ते फौजी हमला एक कांग्रेस ने कीता, और जेडे वो पार्टी का साथ देंदे है उन्हां नू वो ये तस्दीक करदे है कि जो कुछ यह हमला होया सी ये ठीक होया। की तुसी ये ठीक इहदे ते सर्टिफिकेट दे सकते हो? ये कल्ला ही नहीं, एक पार्टी ने आपदे ही बंदियां नू कतलेआम किया दिल्ली ते होर थावां ते, टायर पार पार साड़िया। इन्ना वड्डा पाप, इन्ना बजर पाप मुगलां ने भी नहीं किया। इस करके वीरो मैं थोनू बेनती करता कि यह जी पार्टी जी है ओदे ओनू उतां नेड़े भी नहीं, पिंड च भी नहीं, यह जे पापी लोगों नू तां पिंड च भी नहीं वोट देना चाहिए, वोट तक ही देनी चाहिए। इसलिए मेरी थोड़े को बेनती है कि हुणे थोड़े दिनों च कोर्ट भी लग जाना है, ते फिर भी थोड़े को हाजरी भरते रहेंगे। जे सेहत ने जाग दिता, मेरा तो हूँ भी कम थोड़ा जहा ढिला ही सी, पर मैं कल कल ही मेरा मन बनया। नहीं मैं समझदा काका, मेरा मैनू पता है, मैं पता मैनू जी, मैं एक गल जानदा, ते मैं थोड़ा बड़ा धन्यवादी हाँ, तुसी कल्ला मैनू वोटा नहीं पाईया, मैनू पंज वारी मुख्यमंत्री भी तुसी बनाया है, सेंटर च भी मैनू मिनिस्टर बनाया है, और इतू अलावा कल्ला ये नहीं किया, मेरे नाल जेलां च भी गए, औखे समय सौखे समय तुसी मेरा साथ दिता है। पिछे कट गए, अगे तो लोग ने सीस देते, उन्होंने बंद बंद कटाए, खोपरिया लवाईया, चरखड़िया दे चढ़े, हुण तां
चलो जी थोड़ा बहुत जिन्ना का वही बहुत वधिया है। इस करके मैं लंबा समा नहीं, क्योंकि मैं तो समझ सके दो तीन पिंडा का काम है, इन्होंने अठ पिंडा का प्रोग्राम है। चलो कोई मैं थोड़ा सारे संगत का बहुत बहुत धन्यवाद करदा, बेनती करदा कि जेडे भरा कोई थोड़ा बहुत भी भाई मेहनत मुहनत करो कि ये अपना मसला कोई जाति नहीं, ये सारे पंजाब का मसला है। देखो की हालत है कि ये सरकार दे समय हरिमंदर साहब से फिर हमला हो ठीक है ठीक है। देखो मैं दसा एक गल, मैं होर कल एक गल होर करके मैं खत्म करना। भाई एक मिनट सारे ना बोलो, आ बीबा बैठी है साडे घर च कदे नहीं सी कि बीबियां इलेक्शन लड़, लेकिन अमरिंदर सिंह दा लड़का उदो पार्लीमेंट दा हल्के च इलेक्शन लड़िया ते अमरिंदर सिंह ने ललकारिया कि बादल वाले नूं कहो कि जे होर किसे नूं बली दा बकरा ना बनाउण, जे किसे नूं लड़ाउणा अपने परिवार च लड़ाओ। हुण साडे तां कोई परिवार खड़े होण वाला नहीं सी, मैं भी मैंबर सां, दास जी भी मैंबर सन, मनप्रीत भी नाल सी, ते फिर की करिए। मैं कहा चलो एक ही कहता कोई गल नहीं, और रोज ही जिवें अपने घर दे अगे अगे बड़का को मारदा है ते फिर तो बर्दाश्त नहीं हुंदा, और रोज ही अखबारां च आ जाए। फिर मैं सुखबीर ने सलाह की हुण तां आपां नूं कौड़ा कुट भरना ही पऊगा, हुण बीबा हरसिमरत कौर नूं एक पार्लीमेंट च खड़ा करना पऊगा। ते तुसीं सच दस्सिओ इन्हां दीआं बच्चियां, मैनूं उत्थों टैलीफोन आया भी दादा जी मेरी मदर नूं ना खड़ा करो, इहनूं टिकट ना दिओ, फिर सानूं कौण संभालूगा। मैं कहा बीबा हुण तुसीं रब आसरे, हुण जिथे पार्टी दे विकार दा सवाल आ गया ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਵੋਟ ਵੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਪਾਈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਵਧੀਆ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਯੋਗ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਭਰਾਵੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਿਹਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਐਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਖਣ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਾਰਡ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕੀ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਪਤਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਣਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁਣ ਜੇ ਪੁੱਛੀਏ ਵੱਡਾ ਘਾਲੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੀ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸਿਆਣੇ ਸਿਆਣੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਵੱਡਾ ਘਾਲੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸੀ ਜਿੱਥੇ 35,000 ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ, ਬੀਬੀਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਕੇ ਮਾਰੇ ਸਨ, 35,000। ਉਹ ਵੱਡਾ ਘਾਲੂ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ 15,000 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਬਾਲਮੀਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ, ਜੰਗੇ ਦਾਦੀ, ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਂ, ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਇੱਕ ਐਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਕਿ ਆਹ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਆਹ ਮੈਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਵਾਅਦੇ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ 15 ਕਰੋੜ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ 10 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਖਣਗੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਟ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਰੋਜ਼ ਹੀ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ। ਆਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਨ ਵਿਚਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ, ਉਹ ਅਜੇ ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ।
तनखा ही नहीं मिलती, जी गवर्नमेंट अपने मुलाजमान तनखा नहीं दे सकती, वो डिवेलपमेंट की कर सकती है। असि जिन्ना एक एक पिंड से लाया है, एक ब्लाक से भी नहीं ला सकते। अब वेख लो कुछ लगे अजिड़िया स्कीम थोड़िया बहुत आई है, अपने वेड़े से पैसे पूसे दिते चाहे खर्च करी गए नवा इतने कुछ नहीं। इस करके चलो यदा कोई फायदा नहीं। मैं बीबा हरसिमरत कौर का धन्यवाद करना कि उन्होंने बड़ा मौका संभालिया और इज्जत पा पंजाब की इज्जत रखी और वजारत छी वोट भी डट के दिती खिलाफ और इस पार्टी ने जी ने एडा तलक सी वो तलक भी छड़िया। पहला भी यह जो हरिमंदर साहब से हमला होया मैं ना नहीं लेना चाहता, उदो सिख ही प्रेजिडेंट सी, सिख ही होम मिनिस्टर सी, पर किसी ने इस्तीफा नहीं दिता। 84 के कतलाम वेले भी किसी ने नहीं इस्तीफा दिता, वो तो सीधा ही गौरमेंट ने किया। हूँ वो बच्चे रहे, चलो वो तो उन्होंने मर्जी, पर आप अपना फर्ज हमेशा फर्ज आपका पूरा अदा करना चाहिए। थोड़ा सारे का बहुत बहुत धन्यवाद।